सलाम अलैकुम। आज का टॉपिक है माइंड एंड रिलीजन। पहले तो माइंड को थोड़ा सा डिफाइन कर लिया जाए, तो अगर डेफिनेशन देखी जाए तो माइंड की डेफिनेशन आएगी अ पार्ट एलिमेंट प्रोसेस विच थिंक्स बिलीव्स विल्स परसीव जजेस। सिंपल कर लेते हैं या एक्सप्लेन कर लेते हैं, और यानी वो चीज आपके जिस्म में जो सोच सकती है, कुछ चीजों को जज कर सकती है, उसके अंदर फीलिंग्स हैं और वो परसीव करती है। एग्जाम्पल, आप रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो गाड़ियों को देखकर रुक जाते हैं कि ये तेज आ रही है, आप क्रॉस किया तो लग जाएगी। ये आपका काम माइंड कर रहा है इस वक्त, खुद से नहीं हो रहा, दिमाग में ही प्रोसेस चल रहा है जिसके वजह आपको पता चला कि आपको गाड़ी लग सकती है। माइंड को और डिफाइन कर लें, उसको कह लें इंटेलेक्ट या अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग तो सिंपल वर्ड है, किसी चीज को समझना या कुछ करना, लेकिन इंटेलेक्ट को फर्दर डिफाइन किया जा सकता है विच इज कैपेसिटी ऑफ थिंकिंग या कैपेबिलिटी टू अक्वायर नॉलेज, यानी कोई चीज को सीखना या किसी चीज के ऊपर सोचना, ये भी माइंड का एक बहुत बड़ा मेजर काम है। इसका रिलीजन से क्या ताल्लुक है? अब रिलीजन की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो विच इज अ फंडामेंटल सेट ऑफ स्पेसिफिक बिलीव्स, यानी आपकी जो बिलीव्स हैं वो आप सेट कर लेते हैं माइंड में, जो कि सारी जिंदगी भर चलते रहते हैं। जिस तरह आपने बड़े बूढ़ों को कहते हुए सुना होगा कि बचपन में जो आदत पड़ जाएगी ना, बड़े होके भी वही हरकतें करोगे। क्या पर्पस था, कॉन्टेक्स्ट क्या था कि माइंड में कुछ चीजें इफेक्ट कर रही हैं। बेन हॉरोविट्स who graduated from UCLA and Columbia University said in his book that I wish I knew then what I know now, यानी मुझे पता होता पहले जो मुझे आज पता है। इससे एक बहुत स्पेसिफिक चीज पता चल रही है कि इंसान जो है ना वो हर वक्त इम्प्रूव होता रहता है। यानी एक बहुत बड़े सिग्निफिकेंट बात है कि आपको आज जो पता है वो आपको पहले नहीं पता था, और जिसकी वजह से आपके एक्शंस भी चेंज हो गए हैं, आपकी सोच भी चेंज हो चुकी है, सब कुछ चेंज हो रहा है, यानी आप मुस्तकिल इवॉल्व हो रहे हैं। अब अगर इवॉल्व हो रहे हैं तो इस पॉइंट पे आप लिमिटेड हैं, क्योंकि 10 साल बाद वो इवॉल्व आ रहे हो रहे हैं ना, तो इस पॉइंट पे तो लिमिटेड है। यानी आज जो चीज गलतियां करेंगे वो 10 साल बाद हो सकता है नहीं करें, लेकिन आज की गलतियों को सुधारने के लिए कुछ प्रीरिक्विजिट्स चाहिए, कुछ बिलीव्स चाहिए। अब इन बिलीव्स को किस तरह एक्सप्लेन किया जा सकता है, इसको मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूं। ये डायग्राम सिंपल वर्जन है हमारे माइंड का, ये बेसिकली सिंपलीफाइड वर्जन है कि आपका दिमाग किस तरह चलता है। ये सेक्शन डिफाइन कर रहा है आपका स्टोरेज सिस्टम, यानी जो चीजें आपके दिमाग में सेव हो जाती हैं या रह जाती हैं। ये एच डिफाइन कर रहा है ह्यूमन माइंड, जो आपकी रैशनैलिटी है, और ये इमोशनल जो है ये आपके इमोशंस को डिफाइन कर रहा है। अब ये इसके ऊपर पावर्स लगी हुई है 1, 5, 20 कि ये किस स्पीड में काम करते हैं। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एग्जाम्पल्स से। और एक फंडामेंटल चीज ये है कि इमोशनल से जो चीज होगी वो भी स्टोरेज में जाएगी, ह्यूमन से भी स्टोरेज में जाएगी। इमोशंस से रिलेटेड क्या चीज है, यानी कल आपने पिज्जा हट में जाके पिज्जा खाया, उसका टेस्ट जो है ना वो एक इमोशन टाइप चीज थी, वो इसमें जाके स्टोर हो गई। एग्जाम्पल लें, कभी शार्क का स्टेक खाने का मूड नहीं होगा, ऑक्टोपस की निहारी का मूड नहीं हो सकता, क्योंकि दिमाग में है ही नहीं। सेव क्या हुआ है, पिज्जा हुआ है, इस वक्त मूड ही नहीं हो सकता। ह्यूमन से रिलेटेड चीजें होती हैं जो आप किताबों से सीखते हैं, लोगों से सीखते हैं, जिसे आप एजुकेशन कहते हैं, यानी जो आप टीवी से देखते हैं वो सीख जाते हैं आप, और वो भी इधर ही स्टोर होती है। स्टोर क्या चीज हो रही है, कॉन्सेप्ट्स हो रहे हैं या बिलीव्स हो रहे हैं आपके? कॉन्सेप्ट्स और बिलीव्स ये आपके सेव हो रहे हैं इसमें, अब यही रिट्रीव होने हैं बाद में। यानी पिज्जा का टेस्ट पता है तो उसके खाने का दिल जाएगा, वरना दिल नहीं जा सकता। अगर नहीं होगा तो ना पिज्जा खाएंगे ना कुछ करेंगे। अब इसमें इस्लाम कहाँ से रोल प्ले करता है? इस्लाम ने कुरान में कहा कि फजतनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, कि इंटॉक्सिकेशन वाली चीजों से रिफ्रेन करो ताकि तुम सक्सेसफुल हो। ये नहीं कहा कि ट्राई कर लो, क्योंकि ट्राई कर ली ना तो फंस जाओगे। एग्जाम्पल लें सिगरेट्स, हर सिगरेट के बॉक्स के ऊपर बाय लॉ आपको लिखना जरूरी है कि स्मोकिंग किल्स या इससे कैंसर होता है, और आपने टीवी पे भी सुना होगा ये कहते हुए तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुजहर है, बाजार सेहत क्यों, ये लिखा हुआ है, आप पढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी सिगरेट पी रहे हैं, क्योंकि सिगरेट का टेस्ट इस वक्त सेव हुआ है। वो टेस्ट की मोटिवेशन इतनी ज्यादा है कि आपको पता है कि वो नुकसान दे रही है, आपको कैंसर भी हो रहा है, आपको बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सक रहे क्योंकि ये इसमें सेव है। अब एक और चीज, वला तक्रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फाहिशा, डोंट गो नियर शेमफुल एक्ट्स और एनी इमोरालिटीज, क्यों, करीब चले गए फिर दूर आना बहुत मुश्किल है। अब ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है डॉक्टर स्टीव पीटर्स ने इन हिज बुक चिम पैराडॉक्स, ये उन्होंने एक्सप्लेन किया है 20th सेंचुरी में, या 21st कह लें आप उसे, लेकिन कुरान ने ये एग्जांपल दिए 1400 बैक इयर्स बैक के वला तक्रबुज़्ज़िना या फस्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून, क्योंकि
डर है कि इसमें सेव हो गया तो निकालना बहुत मुश्किल है। अच्छा अब बात आती है कि रिलीजन का क्या इधर रोल है। पहले तो मैं आपको एक जो मर्चेंट, शी इज अ PhD इन माइक्रोबायोलॉजी एंड मास्टर्स इन कम्युनिकेशन साइंस फ्रॉम इंपीरियल कॉलेज लंदन। शी स्टेटेड इन हर बुक माइंड ओवर बॉडी इन चैप्टर 12 दैट बीइंग रिलीजियस लीड्स टू इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड मोस्ट ऑफ द स्टडीज और नाउअडेज द स्टडीज आर क्लेमिंग दैट इट ऑल्सो बेनिफिट फिजिकल एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी टू। व्हाई द क्वेश्चन कम्स, व्हाई इस 20 का क्या चक्कर है? फॉर एग्जाम्पल अगर ग्लास यहाँ से गिर रहे ना, आप उसे फौरन बचा लेंगे विदाउट सोचे, क्योंकि स्टोरेज में था और इसने बहुत तेजी से काम किया। 20 पावर इसीलिए इसको दी गई है। इमोशंस ये भी स्ट्रांग होते हैं, लेकिन स्टोरेज या आपका जो दिमाग में सेव है वो मोस्ट स्ट्रांग चीज है। इसीलिए अगर किसी ने रिलीजन में बचपन में सीख लिया कि कोई गलत काम करता हुआ दिखे या कुछ दिखे तो उसे कोसना शुरू कर दो, उसे डांटना शुरू कर दो, उसे मारना शुरू कर दो, क्योंकि वो गलत है। क्यों? क्योंकि उसने बचपन में सीख लिया। अब आप उसको अगले 10 साल भी कुछ सिखाते रहेंगे, वो जो चीज सेफ है ना वो रिवर्स होने में बहुत टाइम लगेगा, जिसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। ये इमोशन के ऊपर 5 पावर क्यों है? क्योंकि जब हम आप अगर बच्चों की एग्जाम्पल लें तो घर आते हैं, बैग फेंकते हैं, अम्माओं के ऊपर चिल्लाते हैं और ये वो करना शुरू कर देते हैं कि वो थक कर आए हैं और वो अम्मा को ये बताना चाह रहे हैं कि आप मेरे लिए खाना बना के दें क्योंकि आप हमारी गुलाम है और मैं स्कूल से पढ़ के आया हूँ, मैंने आपको एहसान किया। अगर दिमाग से सोचे ना तो पता चलेगा कि वो उनके खुद के फायदे के लिए था, अम्मा के फायदे के लिए नहीं था। लेकिन पहले इमोशन ने ऐड कर दिया, बाद में ख्याल आया कि अम्मा ने अच्छी बात कही थी। इसीलिए ह्यूमन रैशनल थिंकिंग हमेशा स्लो होती है। इसीलिए सबर, पेशेंस, ये सारी चीजों को जो है ना बार बार हमें हर वर्कशॉप में और मुख्तलिफ जगहों पर सिखाया जाता है। अब रिलीजन जो है ना वो आपको वो सारी चीजें, टूल्स, बिलीव्स दे देता है जिसकी वजह से जो है ना आप इसको भी बेहतर बना लेते हैं और सोचने वाले बन जाते हैं और इमोशंस पे जो है ना और डिजायर्स के ऊपर आपका बहुत कम फोकस होता है। और रिलीजियस होने से फायदा क्या होता है? दो स्टडीज थी, एक 2011 में इन नॉर्वे 36,000 पीपल ऑब्जर्व दैट जो ज्यादा रिलीजियस गैदरिंग्स में जा रहे हैं उनका ब्लड प्रेशर कम था। 40,000 लोगों की स्टडी की गई जिसमें 22 कंट्रीज से लोग लिए गए और उससे ये प्रूव हुआ कि जो रिलीजियस गैदरिंग में थे और जिनके बिलीव स्ट्रांग थे वो ज्यादा बेहतर हेल्थ में थे, वो ज्यादा साउंड माइंडेड थे। क्यों? क्योंकि रिलीजन आपको कुछ प्रिंसिपल्स देता है जो बचपन में यहाँ पे सेव हो जाते हैं और यही प्रिंसिपल्स जो है ना वो आपको जिंदगी भर फायदा देते रहते हैं। और इसका ये फायदा है, जो सेट ऑफ बिलीव्स हैं, अब हमें वो सेट करने के कौन से होने चाहिए, कहाँ से सीखने चाहिए, ये बिलीव्स हमें कहाँ से सीखने चाहिए, ये हमें टीचर से सीखने चाहिए। जैसे साइंस आप जाके किसी बच्चे से नहीं पढ़ेंगे ना, आप अल्बर्ट आइंस्टाइन की किताब उठाएंगे, उसी तरह रिलीजन भी है। रिलीजन भी किसी ने रिसर्च की हुई है, जैसे आपके पास स्कॉलर्स हैं उसी तरह रिलीजन की भी बिलीव्स सीखने पड़ेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, आपके मोबाइल पे वायरलेस चार्ज कैसे हो जाता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कैसे होता है, हम बहुत सारों को नहीं पता किस तरह ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हो रहा है, पता है वायरलेस चार्ज हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम साइंस की नॉलेज में वीक हैं। इस तरह रिलीजन की नॉलेज में, बिलीव्स की नॉलेज में भी वीक हैं। हम नहीं डिफाइन कर सकते कि ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये सीखना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा कि किससे सीखना है, क्या करना है। क्योंकि बिलीव्स गलत बन गए तो फिर वही प्रॉब्लम स्टोरेज में आ गए, इमोशनली भी वैसे ही एक्ट कर रहे होंगे, किसी को गलत कुछ करता हुआ देखा फौरन रिएक्ट, ह्यूमनली नहीं सोच सकेंगे क्योंकि बिलीव्स कम है, नॉलेज कमजोर है।